हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सौरभ सर्स क्लासेस। मेरा नाम अश्मिता है। आज के क्लास में हम गोवा पब्लिक सर्विस कमीशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। मोस्टली जो ये एग्जामिनेशन होता है, ये एक रिक्रूटमेंट बेस्ड एग्जामिनेशन है और ये कंडक्ट किया जाता है बाय द गोवा पीएससी। ये स्पेशली गवर्नमेंट जॉब का रिक्रूटमेंट है, सो दैट्स व्हाई इट हैज वेरियस स्टेजेस फॉर स्क्रीनिंग, फॉर राइटिंग, for interviewing the candidates who want to get into the posts offered by the Goa PSC. कोई भी नोटिफिकेशन हो इस एग्जामिनेशन के बारे में, आपको सिर्फ और सिर्फ इसका ऑफिशियल वेबसाइट फॉलो करना है, सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट एंड द करेक्ट अपडेट्स ऑफ दिस एग्जामिनेशन। चाहे वो नोटिफिकेशन हो अबाउट द फॉर्म फिलअप, या फिर फॉर्म फिलअप कैसे करना है उसका नोटिफिकेशन हो, रूल्स हो, एलिजिबिलिटी हो, एज लिमिट हो, कुछ भी इंफॉर्मेशन अगर आपको फाइंड आउट करना है, तो प्लीज ऑफिशियल वेबसाइट में जाके उसके बारे में फाइंड आउट कीजिएगा। क्योंकि हर साल यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट्स होता है, चाहे वो एग्जाम पैटर्न हो, चाहे वो सिलेबस हो। चेक द अपडेटेड व्यू एवरी ईयर बिफोर अप्लाइंग फॉर दीज एग्जामिनेशंस। गोवा पब्लिक सर्विस कमीशन जो एग्जामिनेशन होता है, उसके अंदर बहुत सारे पोस्ट्स ऑफर किया जाता है टू द कैंडिडेट्स, टू द एस्पिरेंट्स। तो उन्हीं पोस्ट्स के बारे में चलिए डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे ऑफर किया जाता है असिस्टेंट एग्रीकल्चरल ऑफिसर का पोस्ट, प्लानिंग ऑफिसर का पोस्ट, असिस्टेंट का पोस्ट, प्रोफेसर इन आर्किटेक्चर का पोस्ट, देन असिस्टेंट इंजीनियर का पोस्ट, देन ट्रांसफर ऑन डेप्यूटेशन का पोस्ट, लेक्चरर इन ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी का पोस्ट, देन लेक्चरर इन रेडियोलॉजी, देन असिस्टेंट एक्टिविस्ट ग्रेड वन ऑफिसर, जूनियर स्केल ऑफिसर ऑफ गोवा सिविल सर्विस, एंड सो ऑन एंड काइंड ऑफ पोस्ट विच आर रिलेटेड टू ऑल ऑफ दीज। बात करते हैं अबाउट द सिलेक्शन प्रोसीडियर ऑफ गोवा पब्लिक सर्विस कमीशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। यहाँ पे अभी तो 4 से 5 स्टेजेस चल रहा है। पहले इतने स्टेजेस नहीं था, लेकिन पैंडेमिक के बाद से इतने सारे स्टेजेस लाइक ऐड किया जा चुका है। तो चलिए बात करते हैं अबाउट द फर्स्ट स्टेज, दैट इज द प्री स्क्रीनिंग टेस्ट। इट्स काइंड ऑफ लाइक preliminary stage, the first stage of preliminary examination, जहाँ पे pre-screening होगा। मतलब ये जो stage है, ये एकदम final screening का examination नहीं है, ये pre-screening का examination है। दूसरा जो stage है वो है repeat pre-screening test। तो इसमें भी आपका एक और बार screening test लिया जाएगा, उसके बाद आपको फाइनल स्क्रीनिंग टेस्ट, दैट इज द फाइनल प्रीलिमिनरी एग्जाम जो टेस्ट होता है उसमें भेजा जाएगा। उसके बाद आता है कॉम्पिटिटिव रिटन टेस्ट। कॉम्पिटिटिव रिटन टेस्ट का मतलब है मेंस का एग्जामिनेशन। एंड फाइनल जो राउंड होता है, अगर आप मेंस को क्वालिफाई करते हैं, जो है इंटरव्यू का राउंड, ओरल इंटरव्यू का राउंड, उसमें आपको बुलाया जाएगा। सो ऑलमोस्ट 5 स्टेजेस यू हैव टू क्रॉस टू गेट इन टू द placements offered by the Goa PSC. चलिए बात करते हैं थोड़ा सा details में about the Goa PSC pre-screening test pattern. तो the pre-screening test pattern will be of 1 hour duration. And जो भी candidates eligible है इस examination के लिए, उनको divide किया जाएगा into small batches of around 300 candidates in each batch. देन ये जो सारे बैच है, ईच बैच विल हैव अ सेपरेट क्वेश्चन पेपर। सो 300 करके जो बैच डिवाइड किया जा रहा है, उनमें सारे जो बैचेस है उनमें डिफरेंट क्वेश्चंस दिया जाएगा, सो दैट नो वन कैन जस्ट डिस्कस एंड नो वन कैन इवन थिंक ऑफ चीटिंग। हाउएवर ये जो क्वेश्चन पेपर्स सेट किया जाएगा, ये इसका जो डिफिकल्टी लेवल होगा ये ऑलमोस्ट सेम होगा, क्योंकि एक ग्रुप को आप बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पेपर दे रहे हो और दूसरे ग्रुप को बहुत ही ईजी दे रहे हो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, सभी को इक्वल क्वेश्चंस देना है। तो उसी तरह से प्रिपरेशन लिया जाता है, क्वेश्चन पेपर को उसी तरह से प्रिपेयर किया जाता है। बात करते हैं अबाउट वॉट काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल कम इन द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। नाउ प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में टोटल 60 क्वेश्चंस दिया जाएगा, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs, एंड एवरी क्वेश्चन आंसर्ड विल कैरी 1 मार्क फॉर द राइट आंसर एंड 0 मार्क्स फॉर द रॉन्ग आंसर।
कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है प्री स्क्रीनिंग टेस्ट में. नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट द गोवा पीएससी स्क्रीनिंग टेस्ट पैटर्न. दैट इज ये जो प्रीलिमिनरी का जो स्टेज है उसमें जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है उसी के बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे, उसके पैटर्न के बारे में. तो ऑल दोज कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई एट द प्री स्क्रीनिंग टेस्ट, वेदर एट द फर्स्ट अटेम्प्ट और इन द रिपीटेड अटेम्प्ट, दैट इज हम लोगों ने तो पहले भी डिस्कशन किए हैं कि प्री स्क्रीनिंग टेस्ट तो होगा ही प्लस रिपीट स्क्रीनिंग टेस्ट भी होगा. तो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो कैंडिडेट्स पार करते हैं या फिर दोनों ही अटेम्प्ट मिला के जो पार करते हैं उनको इस फाइनल स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा. एंड यहाँ पे ही मेन शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कैंडिडेट्स को नेक्स्ट राउंड के लिए. Duration for this examination will be 75 minutes and the maximum marks for this exam will be 75 marks. Next, chaliye baat karte hai about the Goa PSC written test pattern. That is the candidates who are shortlisted on the basis of the results of the screening test will be subjected to competitive writing examination. And ये जो mains का examination है या फिर जिसको हम writing का examination कहते हैं इसमें 250 marks allot किया जाता है. तो सोच लीजिए आपने मेंस का जो राउंड है उसको आपने पार कर लिया है, उसके बाद आएगा गोवा पीएससी ओरल टेस्ट या फिर इंटरव्यू राउंड. All the candidates called for the oral interview should maintain a minimum marks of 50% at the oral interview. तो यही था टोटल डिस्कशन अबाउट द एग्जाम पैटर्न ऑफ गोवा पीएससी. एंड इसमें जो सिलेबस होता है, इसका जो एग्जाम पैटर्न है, सभी आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगा. ऑफिशियल वेबसाइट में आपको कब एप्लीकेशन फॉर्म निकलेगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा, किस तरह से फॉर्म फिलअप करना है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलेगा, प्लस जो एडमिट कार्ड है वो कब निकलेगा, कब आपको जाना है एग्जाम देने, टाइमिंग्स, लोकेशन और क्या क्या आपको कैरी करना है एज योर आइडेंटिटी प्रूफ, वो भी आपको गोवा पीएससी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे आपको मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन. एंड इसके अलावा आपको आंसर की एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आया था उसका जो एग्जैक्ट आंसर है, उसका जो आंसर की है वो भी पब्लिश होगा ऑफिशियल वेबसाइट में. एंड जो रिजल्ट्स है वो भी पब्लिश होगा ऑफिशियल वेबसाइट में. सो यू नीड टू गो थ्रू द ऑफिशियल वेबसाइट क्वाइट रेगुलरली टू गेट अपडेटेड विद द लेटेस्ट थिंग्स विच आर गोइंग ऑन विद दिस एग्जामिनेशन. तो कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो प्रिपरेशन तो आपको जरूर करना पड़ेगा. फॉर दैट यू नीड अ बेटर मेंटर एंड अ बेटर कोच. हम सौरभ सर्स क्लासेस में वो मेंटर आपको प्रोवाइड करेंगे. हमारे यहाँ पे जो टीचिंग फैकल्टी है वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है एंड आप ही जैसे कैंडिडेट्स को हम लोग पीएससी के लिए, रेल के लिए, बैंकिंग के लिए, एसएससी के लिए, आईएलटीएस के लिए, टॉइफल के लिए एंड जो भी अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस है या फिर जो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस है कॉलेजेस के लिए, यूनिवर्सिटीज के लिए, उन सभी के लिए हम यहाँ पे कोचिंग प्रोवाइड करते हैं. इसके अलावा हम आपको सॉल्व स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करते हैं, प्लस जो अनसॉल्व पेपर्स है उसको भी हम सॉल्व करके आपको प्रोवाइड करते हैं, जो सैम्पल पेपर्स है उसको भी हम सॉल्व करते हैं. फुल फ्लेज्ड लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस का फैसिलिटी है, ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ. एंड इफ यू वॉन्ट टू गेट द एक्सेस टू आवर प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स टू एनरोल विद अस सो दैट वी कैन जस्ट प्रोवाइड यू विद द एक्सेस एंड यू कैन जस्ट हैव unlimited views to it and you can just check the pre-recorded lectures as many times as possible for your benefit till aapke doubts clear na ho jaye. And iske alawa hum aapko doubt clearing classes ka bhi facility dete hain because we think that aap sara din padhte ho uske baad kuch na kuch doubts to zarur hota hoga aapke man mein. So for clearing those doubts we are providing you with different doubt clearing classes with special assistance. So if you do not want to enroll in the full-fledged classes, do enroll with us for the doubt clearing classes क्योंकि हम आपके सभी doubts को clear करेंगे. इसके अलावा भी हम यहाँ पे crash course का facility रखे हैं. If you want to join our crash courses and discuss all the important questions that have been coming through the past years in the exam, then you can just join our crash course and we will revise all the important topics which have been coming in the examination or which can come in the examination and related questions also. We will also practice discussing about the important questions that can come. इसके अलावा भी हम आपको स्कॉलरशिप
प्रोवाइड करते हैं. सो इफ यू थिंक इफ यू आर एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप यू कैन अप्लाई फॉर दैट ऑल्सो इन आवर इंस्टीट्यूशन. So do check our description box for more details, and so for more details do check our description box. You are going to get the contact numbers of our institution. You can do contact us and inquire about the courses, what you want to know about learning these courses, which course you want to pursue over here, for what entrance examination you want to enroll. Please do call us and do enroll with us so that we can just help you out in everything which is there in your preparation strategy, and we will also provide you with strategies and tips so that you can just cover all the topics and you also feel easy to approach each question in a very different way. So that was all for today's class. We are going to meet once again in our next classes.